हेलो क्लास 11, कैसी रही गर्मी छुट्टियाँ? बढ़िया, फर्स्ट क्लास निपट गई। ठीक, चलिए वापसी करते हैं और हम लोग अब फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या किया जाए, इसी को काम को हम लोग करना है। तो अब हमारा आज से नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, किस तरह से करेंगे, उस चीज को हम क्लियर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? पहले सबसे पहले बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। जैसे आप लोग जब 10th में थे, ऐसे कोई इक्वेशन आई और इज इक्वल टू 0, आपने अपने स्टेप में इसको ऐसे लिखा और लिखा माइनस और कहा सर नेगेटिव, ठीक है नेगलेक्ट। ठीक, क्यों नेगलेक्ट किया? क्योंकि आप ये बोल देते सर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इस बात को कह करके आप 10th में इस बात से बच लिए कि ये संख्या निगलेक्ट हो जाएगी, इसको हटा देने योग्य संख्या है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ने यहां से अपना स्टार्टिंग कर रहा है, तो एक नई चीज जानने जा रहे हैं। सबसे पहले दो बातें आपको समझनी, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी नंबर क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच के वो सारे नंबर्स जिनको आप बोल दोगे सब रियल होंगे, चाहे ओरिजिनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे जिस तरीके का। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं, यानी जो भी नंबर इस समय हम बोल सकने की क्षमता रखते हैं, बताते हैं, वो सब रियल नंबर बन जाएंगे। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर सब रियल नंबर हैं। ठीक, अच्छी बात है सर। अगर ये सब रियल है तो रियल के बारे में तुम जान गए, जैसे -2, -5, -7, -8, -6। पर इमेजिनरी नंबर क्या है? यदि अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर लिखा है, जैसे ये, तो इसी को इन्होंने इमेजिनरी के फॉर्मेट में बात करी है। इस नंबर को इमेजिनरी नंबर माना जाता है। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया कि अगर अंडर रूट के अंदर कहीं -1 लिखा है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख दिया करेंगे। आई, आई पार होता है आयोटा। हम आयोटा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ आई बोलेंगे। इन्होंने कहा था कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो अंडर रूट -1 की वैल्यू आई के बराबर होती है। फिर इस चीज को लोग ऐसे लिखना पसंद करेंगे, अंडर रूट लगाया, -1 लिखा, इनटू 4 लिख दिया। 4 का अंडर रूट तो हो गया भैया, 2 निकल गया, अंदर क्या बचा? -1 बचा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2i। तो ये इमेजिनरी नंबर था। हमने क्या कहा, वो नंबर जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होंगे, वो नंबर जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू लिए होंगे वो सब इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो नहीं है भैया, अगर कहीं ऐसे लिखा तो कहो सर ये रियल है बेटा, ये 2 बन जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान से समझिए, अंडर रूट -1 की वैल्यू आई होती है, उसकी वजह से ये कैसे लिख गया, 2i बन गया। यानी अब सीधी सीधी मोटी मोटी बात, जिस नंबर के साथ आई लिखा होगा वो इमेजिनरी होगा, बस ऐसे पहचानना सीख गए। एक तो ऐसे अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा है वो इमेजिनरी है, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा है वो इमेजिनरी है। अगर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा है, यानी जिसके साथ आई लगा है, यानी आयोटा लगा है, वो इमेजिनरी है। बहुत सी बातें आपको समझनी, इन सब चीजों को समझना बहुत एकदम दिमाग से। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई कि जिसके साथ आई लगा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ाया, हमने इस लाइन का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास एक वैल्यू ये निकल के आ गई, और फिर स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास वैल्यू ये निकल के आ गई। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आ गई। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये तो आपको याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर -1 लिखा है तो आई लिखते हैं, उससे इससे ये दो वैल्यू बनाएंगे। इनको याद करना है, नीचे वाली उसको नहीं याद करना, तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस होगा तो उसको आई लिख सकते हैं लोग। ठीक, अच्छा, तो बात आती कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो रियल जान गए, इमेजिनरी जान गए। जिसके साथ आई लिखा होगा इमेजिनरी, जिसके साथ आई नहीं लिखा होगा वो रियल होगा। जैसे हमने लिख दिया 2,
कि क्या है, रियल है। हमने लिखा दो आई तो ये इमेजनरी हो गया, आई लगा दिया ना इमेजनरी हो गया। हमने लिखा रूट फाइव, हमने लिखा रूट फाइव आई, ये इमेजनरी है, ये रियल है। तो रियल को क्लियर करिए, रियल इमेजनरी, ठीक है ना। हमने कहा वो नंबर, डिफिनेशन सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया तो बाद में अपना नोट कर लिएगा वीडियो को रोक करके। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, सबसे पहला प्रश्न उठता है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर हूज वन पार्ट इज रियल अनदर पार्ट इज इमेजिनरी, ए नंबर हूज वन पार्ट इज रियल अनदर पार्ट इज इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर हूज वन पार्ट इज रियल अनदर पार्ट इज इमेजिनरी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट, एक हिस्सा रियल हो दूसरा हिस्सा इमेजिनरी हो, उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे मेरी लिखा 2 प्लस 3 आई, एक ऐसा नंबर है, ये सब रियल है, एक ऐसा है ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। मतलब ऐसा नंबर जिसका एक हिस्सा रियल पार्ट हो एक हिस्सा इमेजिनरी पार्ट हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये नंबर जो है 2 प्लस 3 आई, ये हमारा जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की गिनती में आएगा। That number whose one part is real, another part is imaginary is called complex number and it is represented by z. कैसे लिखते हैं z से? z is equal to क्या लिखा जाएगा? 2 plus 3i. z is equal to क्या लिखा जाएगा? 5 minus 6i. One part is real, another part is imaginary is called complex number. वो number जिसका एक हिस्सा real, दूसरा हिस्सा imaginary. एक हिस्सा real, दूसरा हिस्सा imaginary. ठीक? एक real को एक imaginary को मिला दो, क्या बनेगा? Complex बनेगा। फिर से बात को समझने का प्रयास करिए, अपने दिमाग में डालने की कोशिश करिए। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपकी क्लास जब प्रीमियर स्टार्ट होगा तो सभी लोगों को जितनी क्लास में अटेंडेंस है 30 मतलब 30 स्टूडेंट, ठीक है, शुड बी लाइव, वो हमारे साथ लाइव दिखेंगे वहां। आप लाइव नहीं आएंगे आई विल मार्क एबसेंट। और ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर हम इसी को आधार बना के देंगे, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई भी समस्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं, आपको लाइव होना पड़ेगा और पूरे टाइम रहना पड़ेगा, यानी आए और चले गए 30 स्टूडेंट पूरे लाइव दिखने चाहिए मेरे को, मैं आपके साथ रहूंगा उस समय, मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड करता हूँ और उस समय आपके साथ सबसे बैठा रहता हूँ कि कौन है कौन नहीं है, इस बात का आप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए कि हम लापरवाही करेंगे अब चल जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में 7 लोग 8 लोग 6 लोग 5 लोग 4 लोग 3 लोग नहीं चलेगा, हम अपसेट बात करेंगे। और अगर आप इस तरह से करोगे तो हम आगे आपको वीडियो भेजेंगे, देखने भी नहीं देंगे, ये बात बता दे रहे हैं। उसके हमारे पास कई तरीके हैं, प्राइवेट कर देंगे बिल्कुल, जिसको मैं देखने भेजना उसी के पास पहुंचेगा वीडियो और किसी को नहीं मिलने वाला है। बातें को क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ लाइव नहीं आते हैं, सारे लाइव रहेंगे लास्ट तक लाइव रहेंगे। अटेंडेंस कैसे देनी है? जैसे ही आप आएंगे लाइव सारी अटेंडेंस आनी चाहिए, 30 स्टूडेंट की पूरी अटेंडेंस हमको दिखनी चाहिए वहाँ पे। जब आप जाएंगे वीडियो खत्म होने के बाद, यानी कि खत्म हो तो चल दिए ना, आप अटेंडेंस देंगे उसके बीच में अगर हम अटेंडेंस मांगते हैं तो आप अटेंडेंस देंगे। और एक और चीज, हम बीच में अटेंडेंस वीडियो में मांगेंगे, बोलेंगे पढ़ाते हो बीच में बोल के कि रोक दिया, उसके बाद अटेंडेंस दीजिए, आप अटेंडेंस तब देंगे। अगर हम आपसे मांग रहे हैं लाइव होकर के तो भी आपको अटेंडेंस देनी, अगर हम वीडियो में बोल रहे हैं कि आप अटेंडेंस दीजिए तो उस समय फिर आपको अटेंडेंस देनी रोक करके। इन बातों का ख्याल रखकर काम करना है, हमें सारी अटेंडेंस पूरी और उसी हिसाब से मैटर, और फिर बाद में हम आपको दिखा देंगे इतने लोगों को एब्सेंट मार्क किया है, आप 5 मिनट आए 20 मिनट चले गए फिर लास्ट के 5 मिनट आ गए, नहीं चलने देंगे। आप लाइव होकर के वीडियो मेरे साथ देखेंगे, उसके बाद आपको देखना देखिए ना देखना ना देखिए, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्लास लाइव होनी चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर ढंग से समझ लीजिएगा भैया। जिस समय प्रीमियर वीडियो आएगा आपको सिंसियरली लॉग इन कर लेना टाइमली, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ये नहीं आज किया कल बंद, ये सब नाटक नहीं करना, बार बार बदला बदली नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा आप जल्दी, ताकि वो आसानी से आपके रीच में रहे। जब लाइक कर देंगे वीडियो तो आप जब चाहेंगे तब उनको आसानी से सर्च कर सकते हैं, आप
आपको तुरंत मिलेंगे, इसलिए लाइक करना आसान होता है। वो लाइक वीडियो की अलग लिस्ट बन जाती है, आप उसे आराम से ढूंढ सकते हैं उसमें से, तो आपकी वीडियो देख इकट्ठे हो जाएंगे वो, है ना, आसानी से मिल जाएंगे यूट्यूब पे। एक तो बात ही क्लियर हो गई, मतलब आते हुए अटेंडेंस, जाते हुए अटेंडेंस, बीच में अगर क्लास में अटेंडेंस मांगी जाए, हम पढ़ाते हुए मांगें तब अटेंडेंस, अगर हम लाइव आकर के अटेंडेंस मांगें तब अटेंडेंस। सारे स्टूडेंट होने चाहिए, पूरी लिस्ट हमने मंगवा ली है, उतने स्टूडेंट के मैं पूरी लिस्ट मेरे पास है, हम उसकी उसी हिसाब से एक एक्सेल शीट बना लेंगे और दिखाते जाएंगे आज इतने लोग एब्सेंट गए, ये एब्सेंट है ये प्रेजेंट है, वो अपना ध्यान दें। अटेंडेंस जैसी होगी उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका एक हिस्सा, एक पार्ट रियल हो, दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये हिस्सा कैसा है? ये रियल है। ये हिस्सा कैसा है? कैसे जाना सर, इमेजिनरी है, क्योंकि जिसके साथ आई लगा होगा वो इमेज, बस ये एक सी बात पकड़ लो, जिसके साथ आई लगा वो कैसा, इमेजिनरी, तो बाकी कौन है, रियल है। मतलब आई काहे के लिए लगाया जा रहा है? आई इसलिए लगाया जा रहा था कि ये बता दे भाई ये इमेजिनरी है, आई बगल में खड़ा है बस सिर्फ ये बताने के लिए भाई ये इमेजिनरी है, बस दूर से, है ना, जैसे उंगली करने वाले ये फलाना है, समझ गए ना, उस तरह से ये आई इसलिए लगाया जा रहा है कि ये बता सके ये कैसा है, इमेजिनरी है। तो जिसके साथ आई वो इमेजिनरी, जिसके साथ आई नहीं वो रियल, और रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए सर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जेड से। अब कहेंगे सर कई, मान लो चार कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे तो एक का नाम जेड वन देंगे, एक का नाम जेड टू दे देंगे, एक का नाम जेड थ्री दे देंगे, एक का नाम जेड फोर दे देंगे, तो सर ने तो बस जेड बताया था। नहीं भैया, जेड तो है लेकिन अगर कई कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम आ गए, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, जेड सिक्स, जेड हंड्रेड, जेड हजार, जैसा आप नाम देना चाहते हैं, ठीक। बात क्लियर? हाँ क्लियर। अब आती है रियल पार्ट। ये है रियल पार्ट ना। अगर हम आपसे पूछें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सर जेड है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखा जाता है, आर ई और ब्रैकेट में जेड लिख दिया जाता है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब कितना होगा, सिर्फ दो लिखेंगे, ठीक। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई एम कितना, थ्री आई, ये थ्री आई, इमेजिनरी पार्ट कितना है, थ्री आई, काहे के लिए लगा रहे हैं, आई सिर्फ ये बताने के लिए लगाया गया है, अब इमेजिनरी लिख दिया तो समझदारी हमारे हमें पता है कि ये थ्री आई है, तो रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, थ्री, थ्री आई यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने इमेजिनरी लिख दिया ना, तो अंडरस्टूड हो गया कि इमेजिनरी जिसके साथ आई रहा होगा, तो जब इसको वापस हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की बात आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए कि किसको रियल बोलेंगे किसको इमेजिनरी बोलेंगे। क्वेश्चन आएंगे सवाल सर बीच बीच में कि रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इतना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इतना है, तो आपको रियल इमेजिनरी पता होना चाहिए ना, नहीं तभी तो आप बता पाओगे ना कि ये सर इसकी बात कर रहे थे। तो आर ई जेड रियल पार्ट की बात करेगा और आई एम जेड इमेजिनरी पार्ट की बात करेगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा सर, तो आइए सर एक बात करते हैं, जैसे मैं ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई, ये जेड लिखा है हमने, कहा इसका सर रियल पार्ट आप जेड बताइए, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट आप जेड बताइए सर कितना होगा, टू एक्स वाई। बात क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई होगी, मिटा दें इसको आंसर। अब बात आती है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, स्पेलिंग अपना देख लेना है ना, उसमें हम कोई बहुत अंग्रेजी के टीचर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना, उसको आप अपना देखते रहिए। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है जरा समझिएगा, एक हमने नंबर लिखा 2 प्लस 6 आई, एक हमने नंबर लिखा 2 माइनस 6, ये हमारा एक नंबर है जेड और एक दूसरा नंबर हमारा, ठीक है, अभी नाम नहीं देखो, नाम बाद में दे देंगे समझाने के बाद। दोस टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तभी कॉन्जुगेट की बात चलेगी। दोस टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज इक्वल इन वैल्यू एंड साइन, रियल पार्ट देखिए, इसका रियल पार्ट कितना है 2, इसका रियल पार्ट कितना है 2, कैसा रियल पार्ट
2 यानी वैल्यू कितनी है 2 है दोनों की। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की वैल्यू भी 2 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की वैल्यू भी 2 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन पॉजिटिव है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल पार्ट का साइन पॉजिटिव है। तो दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर हूज रियल पार्ट आर इक्वल इन वैल्यू एंड साइन, लिख लेना भाई अपना धीरे धीरे बोलना, इसीलिए दोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर हूज रियल पार्ट इज इक्वल इन वैल्यू एंड साइन, वैल्यू एंड साइन मतलब वैल्यू भी सेम होनी चाहिए साइन भी सेम होना चाहिए, एंड इमेजनरी पार्ट आर इक्वल इन वैल्यू, इमेजनरी पार्ट आर इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट इन साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन दीज कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है। डेफिनेशन को क्लियर करिए पहले, दोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज इक्वल इन वैल्यू एंड साइन बट इमेजनरी पार्ट आर इक्वल इन वैल्यू एंड अपोजिट इन साइन, देन दीज कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, इसका ये उसका वो। अगर हम कहेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए तो आप कहोगे सर ये, और इसका कंजुगेट चाहिए तो ये, आई बात समझ में। अगर हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये जेड इज इक्वल टू दिस, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड बार से लिखते हैं, किससे लिखते हैं जेड बार से, ये जेड बार हो जाएगा, जेड बार इज दिस। अगर हमने कहा जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आई, तो कहेंगे सर जेड बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आई, कुछ नहीं करना है, रियल वैसे को वैसे कॉपी कर दो, इमेजनरी वैसे को वैसे कॉपी कर दो, लेकिन बस इमेजनरी का साइन बदल दो, रियल का साइन नहीं बदलना, इमेजनरी का बदलना। रियल हमने ऐसे लिख दिया जेड इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 आई, तो बताइए जेड बार क्या होगा, माइनस 4 प्लस 6 आई। ये नहीं कहा कि माइनस हो तो प्लस कर दो ना, ये नहीं बोला, इमेजनरी का साइन बदलना है, बाकी सब कुछ वैसे ही, इमेजनरी का साइन बदल दो, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। डेफिनेशन क्लियर हुई सर, डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, एक एक चीज को कायदे से लेके चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, धड़ाधड़ ऊपर चिपका दिए खड़ा खत्म, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या बताया, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, that number whose one part is real another is imaginary is called complex number, it is represented by z, ठीक। for example z is equal to 2 plus 3i, z is equal to 6 minus 4i, z is equal to minus 4 minus 6i, z is equal to xi plus iy, z is equal to a plus ib, i आगे लिख दिया b पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत है, i तो काहे के लिए बता रहा है, complex का ये part imaginary है बस। फिर conjugate, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें एक रियल पार्ट के बराबर हो वैल्यू में और साइन में, लेकिन इमेजनरी पार्ट इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट इन साइन, दोनों की बातें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है, विश्वास है आप समझ चुके होंगे, कितने भी आप मतलब ना समझ भी नहीं कि ना समझ पाएंगे, बड़े हो गए ना, 10th से 11th में पहुंच गए, स्टैंडर्ड हाई हो गया है ना, अभी तक सुनते थे सबकी आप नहीं सुनेंगे, अब तो अपनी चलाएंगे, कोई बात नहीं, अब आगे सुनना मेरी बात। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिएगा अपना, लिखते रहिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, इसको जानते हैं क्या है, जीरो है ठीक, ये जीरो है, इस जीरो को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आई, लिखा जा सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर एज जीरो प्लस जीरो आई, एज जीरो प्लस जीरो कैन बी रिप्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो आई। अगर हमको कहीं जरूरत पड़ी कि जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है तो हम देर नहीं लगाएंगे, जीरो प्लस जीरो आई लिख लेंगे,
किसी से पूछने नहीं जाएंगे क्योंकि रूल है सर, प्रॉपर्टी है जीरो कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज जीरो प्लस जीरो आई, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। कहीं कोई इक्वेशन लिखी होगी और जीरो लिखा होगा और हमको जरूरत है इधर कॉम्प्लेक्स है इधर भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो जीरो प्लस जीरो आई लिखते हैं उसको तुरंत। आगे बात समझ में, हाँ, एक प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, भाषा में जो बोली उसको, जीरो कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर एज जीरो प्लस जीरो आई, लिख लिया करिए, है ना, बार बार हम बोलेंगे नहीं कि हम लिखवाएंगे, लिखा पढ़ी नहीं कराएंगे इसकी, नोट्स बनाना, क्योंकि अब आप 11th में हो, अब आप 10th में नहीं हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि नोट्स सुन करके बनाए जाएंगे, अब हम आपको सुनाएंगे और सुनिए और बनाइए, खुद अपनी भाषा में बनाइए, जब आप अपनी भाषा में बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार होगी चीज़ें, है ना। अभी तक आप छोटे थे तो आपको लिख लिख के बेटा लिखो ऐसे लिखा जाता है फिर ऐसे लिखा जाता है, अब नहीं, अब आपको बताया जाएगा आप खुद लिखेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस i by 1, आपको सर ये कॉम्प्लेक्स है कि हां सर कॉम्प्लेक्स रियल इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये, इसका ये i बता रहा है इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द इमेज इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई, तो ये सब कैसे हो गया, हो गया समझना, इन दो सब को उठा के रख लेना, पहले एक्स वन प्लस आई बाई माइनस एक्स टू माइनस आई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए भाई एक परंपरा है ना, अच्छा स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट के साथ रहता है और बदमाश खराब वाला लड़ाई झगड़े वाला लड़ाई झगड़े वाले के पास रहता है। मतलब सीधी सीधी बात है, हर व्यक्ति अपने हिसाब के लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है, ये नियम चला चला आ रहा है, अच्छा आदमी अच्छे आदमी के साथ, बुरा आदमी बुरा आदमी के साथ, है ना, सुना है कि नहीं सुना, लड़के लड़कों के साथ लड़कियां लड़कियों के साथ, वो अलग केस है, वो अपने उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब इस पे आगे बाय, तो ये रियल है और ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, तो रियल किसके साथ रहेगा, रियल के साथ, जिसे तुरंत गुटबाजी कर ली कि सर हम लोग आप आओ एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, ऐसे लिख दिया इन दोनों सर आई कॉमन हुआ है इसको ऐसे लिख दिया, और ये जीरो लिखा था इसको ऐसे लिख दिया, ठीक ठीक भैया। तो इसमें क्या हुआ, ऑन कंपेयरिंग ये रियल है इसका रियल, ये इसका रियल बराबर क्यों, तो क्या वैल्यू निकल गया सर, एक्स वन बराबर एक्स टू, और इसका इमेजनरी, इसका इमेजनरी बराबर क्यों, इसका इमेजनरी वाई वन माइनस वाई टू, इसका इमेजनरी, आपको सर आई भैया बताने के लिए कि ये इमेजनरी है, इसका इमेजनरी वाई माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू इसका जीरो, इससे क्या रिजल्ट निकल गया है, वाई वन माइनस वाई वन बराबर वाई। तो क्या हमने कहा, हमने कहा जो कहा है वही लिखा नीचे, देखो देखो ध्यान से, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, हां इक्वल, तो रियल पार्ट किसके पास बराबर है, रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी किसके बराबर है, इमेजिनरी के बराबर, बस इतनी सी बात खत्म। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन रियल पार्ट इक्वल टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी, कैसे सर सवाल है, ऐसे हैं देखो, x plus y plus x minus y into i is equal to 10 plus 4i, ऐसे लिख दीजिए, then find out the value of x and y, question kya hai, ye question hai, and find value of x and y, question ban gaya, ye real hai sir, haan sir real hai, ye real hai, real real ke barabar hogi, niyam hai bara, if two ye to pehle to check karo complex number hai ki nahi, iska ek hissa real hai dusra imaginary hai to ye complex hai, iska ek hissa real hai dusra imaginary hai ye complex hai, to complex agar two complex number are equal, ऑन कंपेयरिंग
x plus y ये और x minus y ये, अब दोनों को जोड़ दिया सटा, क्योंकि x बराबर कितने के 14 तो x बराबर कितने के 7 के, तो x minus y बराबर 4 जब लेंगे इसमें रखो 7 plus y बराबर 10 के, तो y बराबर कितना गिरा 3 है, जो खत्म सवाल x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, सवाल ये समझ में आया, सवाल भी समझ में आया, ऐसे सवाल आएंगे, और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, if two complex numbers are equal then real part equal to the real part, imaginary part equal to the imaginary part, बस बात खत्म, नहीं गया भेजे में भैया, ऐसा कोई महापुरुष महापुरुष जिसे ना समझ में आ रहा हो वो तुरंत लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पे, आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, प्रीमियर लाइव चल रहा है, तुरंत कमेंट करके बताइए सर हमको समझ में नहीं आ रहा, नोट कर लेंगे हम उसको बाद में देख लेंगे उसको, उस चीज को दोबारा समझा देंगे उसी क्षण, ये चीज इस टाइम पीरियड की हमको नहीं समझ में आई, ठीक, उम्मीद है समझ में आ गई, इतने आप नालायक नहीं हैं, है ना, टेंथ में थे अब इलेवेंथ में आ गए, नया नया है तो अभी नया जोश है पढ़ने का, सब समझ में आ रहा होगा, चलिए तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कह रही एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बहुत सीधी बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, एडिशन, एडिशन मतलब जानते हो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, और जोड़ने में तो आप बचपन से माहिर हो, है ना, किसको भी किसी के साथ जोड़ देते हो, है ना, हाँ, किसी पेन को किसी पेन के साथ जोड़ देते हो, किसी चीज को किसी के साथ, मतलब सबका सबके साथ जुड़े रहते हो, चलिए सबका साथ सबका विकास, चलिए इसी बात को समझते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, क्या लिखा है 4 + 6 आए, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू, 6 - 8 आए, और हमसे कहा सर इसको जोड़ दीजिए जेड वन प्लस जेड टू निकाल दीजिए, तो क्या करोगे सर, पहले जेड वन लिखोगे फिर जेड टू लिखोगे, फिर आप नियम अपना लगाओगे, ब्रैकेट खोलोगे, मतलब पहले खोल दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दिया, फिर आप कहोगे सर अभी मैं पढ़ा था, है ना, अच्छा अच्छे के साथ बुरा, बुरा के साथ अच्छा, अच्छे के साथ जाता बुरा, बुरे के साथ जाता है, तो रियल रियल के साथ चला जाएंगे, तो 6 - 4 = 10 होती है, इमेजनरी इमेजनरी के साथ जुड़ता और घटता है, बात बिल्कुल एकदम सिंपल बात है, रियल रियल के साथ जुड़ेगा घटेगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ जुड़ेगा घटेगा, दो प्रॉपर्टी एक साथ हो गई, एडिशन एंड सबट्रैक्शन खत्म, क्या होगी इसे जुड़ेगा घटेगा, जोड़ घटाओ 6i + 8i - 2i खत्म, एडिशन हो गया, इसी कहते थे सर सबट्रैक्शन कर लीजिए, z1 - z2 निकाली, तो z1 कितना था 4 + 6i, z2 कितना था 6 - 8i, ब्रैकेट ओपन कर दो, अब क्यों ब्रैकेट लगाया था समझिए, इसलिए लगाया था 4 + 6i -6 - -+8i, ये भी घट गया, कितना है -2 + कितना 14i, क्या नियम पढ़ा, क्या नियम पढ़ा, क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, बात पहले पहले जान लेना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ सर जोड़ दिया क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स ही मिला, ठीक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है घटा दिया क्या मिला, कॉम्प्लेक्स मिला, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोलेंगे मान लो कह दे प्रूव करो, प्रूव दैट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तो दिक्कत आएगी, आएगी है ना, हाँ तो बात इसकी आपको समझ में आ गई, ठीक, चलिए तो सर एक इसका हम जनरल बात भी कर लेते हैं, क्या मतलब हम कहना चाहते हैं, प्रूफ दैट वाली बात भी समझा दी जाए कि ना समझाएंगे, चलो बाद में समझा देंगे, अभी नहीं समझाएंगे, अभी हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज सारी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक, तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मन नहीं मान रहा है, मानोगे नहीं, ले भैया देख लो, प्रूफ भी देख लो, लेट z1 = x1 + i/2 और z2 = x2 + i/2, ओके, z1 + z2 चाहिए, z1 + z2 = दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज z1, z1 x1 + i/1 एंड व्हाट इज z2, x2 + i/2, तुरंत लिखा x1 + i/1 x2 + i/2, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी का साथ दिलाया, अब देखिए ये दो न्यूमेरिक डिजिट आपस में जुड़ेंगी, दो न्यूमेरिक डिजिट आपस में जुड़ेंगी घटेंगे, तो कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिक बनाएंगी ना, हमने कहा साथ ही बना दी क्या कैपिटल एक्स का, ये और जुड़ेंगे घटेंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगी ना, क्या बना दी कैपिटल वाई, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हुआ, क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला कैपिटल जेड,
यही है डेरिवेशन, छोटा सा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देखो दिख रहा है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबट्रैक्शन, माइनस, ये माइनस ब्रैकेट खुला है, माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये रियल रियल के साथ आया, इसमें इसमें आई कॉमन हुआ, इन दोनों जब दो न्यूमेरिक डिजिट आपस में जुड़ती घटती कुछ मिलता है, हमने कहा साफ कैपिटल एक्स मिलता है, क्या बना? तो क्या बात समझी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव हो गया, अगर मांगा जाए तो बता सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए सब मिटा देते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, हाँ चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते ना, गुणा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा। आइए सर बहुत समझना ध्यान से, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जेड वन, टू प्लस सिक्स आई, जेड टू थ्री माइनस एट आई, और हमसे कहा जेड वन इंटू जेड टू निकालो, तो देखिए कैसे करते हैं, अब जरा समझना है इसमें, इसमें ये नहीं है रियल का रियल से गुणा, इमेजनरी का इमेजनरी से, ना ऐसा नहीं है, पता लगे आपने एक नियम बना लिया फटाक से, पहले सर पढ़नी है बाद में, हम देख लेंगे बाद में, रियल का रियल से गुणा नहीं, इमेजनरी का इमेजनरी। अब प्रोसीजर क्या, जैसे बचपन में दो ब्रैकेट का गुणा करते थे ना, वैसे गुणा कराए, तीन का इसके साथ गुणा छः आया, इसका इसके साथ गुणा अठारह आई आया, इसका इसके साथ गुणा माइनस का सोलह आई आया, इसका इसके साथ गुणा माइनस का आठ अड़तालीस अड़तालीस आई स्क्वायर है, दो ब्रैकेट का गुणा हुआ आपके सामने, देख लीजिए कहीं कोई समस्यात्मक विषय लग रहा हो तो बता दें, समस्यात्मक विषय लग रहा हो तो बता दें। ठीक, आपको भी पढ़ाया था द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और आई की पावर फोर इज इक्वल टू वन, जहां कहीं ये चीजें दिखाई देंगी आप तुरंत इनकी वैल्यू रिप्लेस करोगे। अभी थोड़ी दिन बाद हम आपको और याद कराएंगे कि आई क्यूब होता है वो माइनस आई होता है, कैसे आया दिखाते हैं, आपको दिखा भी देते हैं, आई क्यूब को ऐसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई, टोटल वैल्यू क्या बनेगी माइनस आई, मतलब एक पावर से नीचे नहीं जाना है और लेकिन एक पावर से ऊपर होगा सबको लेवल पे लाना है, एक पावर से जितनी ऊपर चाहे दो पावर चाहे तीन पावर चाहे चार पावर चाहे सौ पावर चाहे हजार सबको सीखेंगे भी वैल्यू फट से निकल के आ जाती है। तो तीन वैल्यू याद हो गई, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, आई की पावर फोर की वैल्यू प्लस वन, तीन याद कर लो आज की डेट में बिल्कुल अभी कभी दिमाग में डाल लो, भेजे में भर लो, पक्का कर लो। चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू बताओ माइनस वन, तो जैसे ही आपने यहाँ पे माइनस वन रखा है प्लस हो जाएगा। अब देखिए भैया इसके साथ से आई गायब हो गया, इसके साथ क्या आई बचा? नहीं, जैसे आई खत्म तो ये बन गया रियल, ये रियल है और ये रियल है, देखो इस बार आई स्क्वायर की वैल्यू रखी, आई खत्म हुआ क्या बना रियल, क्या बना रियल, और रियल किसके साथ जोड़ी बनाता है, रियल के साथ जोड़ी बनाता है, बना दो चौवन, और इमेजनरी इमेजनरी के साथ जोड़ी बनाता है, कितना आगे टू आई आंसर, समझ में आया कुछ, भेजी में अंदर गया, क्या कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा कराएंगे कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अभी प्रूफ करने को भी आ सकता है, प्रूफ दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए हम करके दिखा देते हैं। चलिए लेट प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, तब तक लेट जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई, जब भी प्रूफ आएंगे तो यही मानना आपको जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई, और जेड वन इंटू जेड टू निकालने चल पड़े, क्या है एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू, गुणा कैसे कराते हैं रियल का रियल, पहले इसका इसका गुणा कराया, इस ब्रैकेट इसको पकड़ा, इस सबके साथ गुणा एक्स वन एक्स टू प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई एक्स वन वाई टू प्लस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, आई स्क्वायर की वैल्यू मंगाई एक्स वन एक्स टू प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन वाई टू, उसको हटा दिया जाए, है ना, हाँ। अब देखिए जिसमें आई नहीं वो किस क्या माना जाता है, जिसमें आई नहीं उसको क्या मानते हो आप, क्या मानते हो, जिसमें आई नहीं उसको रियल मानते हैं, रियल, रियल को रियल के साथ लगा दो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, आई कॉमन आ गया वाई वन एक्स टू प्लस एक्स वन वाई टू। अब एक बात बहुत सीधी सीधी बात, एकदम सीधी सीधी, अगर मैं इसे लिखा दो गुणे तीन माइनस चार गुणे छः, मान लो ऐसे लिखा है, कैलकुलेट करूँ तो कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी है नंबर आएगा, हमने जीरो नहीं लिखा है, मतलब छः आया छः माइनस चौबीस, चौबीस में माइनस अठारह, कुछ आएगा ना नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, हमने कहा साहब ये एक्स आ जाएगी,
और ये क्या बन जाएगी कैपिटल वाई बन जाएगी, क्या बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए, बोलो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिमाग में डालो, बहुत जरूरत है। हाँ, अब आपके मन में एक विचार जल्दी जल्दी कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बिल्कुल सही है क्या, लेकिन इस पर डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है। इसमें हमें तीन बातें एक साथ समझानी है जो आज की डेट में नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन लेकर इस चैप्टर को आज की डेट में समाप्त करते हैं। सुनते जाइएगा, इसके पहले आप एक बार अटेंडेंस दे दीजिए, अभी की लास्ट वाली नहीं, अभी की है, इसके बाद लास्ट वाली लास्ट में दीजिएगा, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। हाँ हो गई अटेंडेंस, चलिए क्या बता रहे थे, रिवीजन। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ऐसा नंबर जिसका एक हिस्सा रियल हो और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी हो। हमने इमेजिनरी को पहचानने के लिए आपको टेक्निक बता दी है, जिसके साथ आई लिखाओ। अब कभी कभी प्रॉब्लम होगी, सर आई नहीं लिखी, वो अंडर रूट के अंदर माइनस लगा के लिख देंगे, तो भी हमने बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लिखाओ तो भी वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो जो नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ हो या जिस नंबर के साथ आई लगाओ वो इमेजिनरी होगा, और इसके अलावा जो तुम्हें दिख जाएगा वो सब क्या मान लेना, रियल मान लेना। तो रियल और इमेजिनरी को जब मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। रियल और इमेजिनरी को जब आप मिला दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी समझ में आ गई। जैसे ध्यान से बात को सुनिएगा, टू एक रियल है और माइनस 15 ये इमेजिनरी, बताइए ये क्या नंबर है। इसको अगर आप लिस्ट में लिखोगे तो सर आप ऐसे लिखोगे अंडर रूट 15 आई, अंडर रूट के अंदर माइनस लगा है, ये माइनस का मतलब आई होता है, ये कैसा नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका एक हिस्सा रियल है दूसरा इमेजिनरी, जिसमें आई लगा और इमेजिनरी, जिसमें आई ना लगा रियल। क्लियर हो गए, इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बताया था कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके रियल पार्ट वैल्यू और साइन में बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट वैल्यू में तो बराबर हो बट साइन में विपरीत हो, अलग अपोजिट हो। जैसे जेड, हमने कहा जेड इक्वल टू -6 -8 आई, तो आपको सर जेड बार जो इसका होगा, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को, किससे लिखते हैं, जेड बार से लिखते हैं, क्या आ जाएगा -6 +8 आई। आप सिर्फ साइन किसका, इमेजिनरी का बदलेगा, बाकी रियल का वैसे कॉपी हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर आपने कहा कि सर एक जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जरूरत पड़ने पे जीरो को 0 + 0 i लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही कहा है आपने। फिर सर आपने एक और बात बताई है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, ये भी हमने पढ़ा है। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, ये भी हमने पढ़ा है। फिर एक और बात पढ़ी, क्या पढ़ी, कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, बताया नहीं कल बताएंगे, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, बता दिया। अब एक और खास बात जो लास्ट में, इसलिए हमने बताई है ना, वो सोचेंगे सब खत्म हो गया, खत्म थोड़ी ना करा था, खत्म तो करेंगे। चलिए सुनिए मेरी बात, बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना, क्या एक शब्द आता है प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी, शब्द आएगा पढ़ेंगे आप किताब में, प्योर रियल, तो डेफिनेशन को समझिएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट शून्य है तो वो प्योर रियल है। जैसे आपसे कहेंगे प्रूव दैट, कि चार पांच नंबर लिख के दे दिए, प्रूव दैट द सम ऑफ एंड द कैलकुलेट, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर रियल, कुछ नहीं करना, उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो आंसर आएगा उसमें रियल पार्ट तो होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट जीरो आई आ रहा होगा। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट शून्य हो, जैसे कहीं मैं इसे लिख दे 2, तो ये क्या है, प्योर रियल है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा तो प्योर रियल है, क्यों, इसका इमेजिनरी पार्ट शून्य है। ठीक, तो प्योर इमेजिनरी प्योर रियल की बात चल रही है। अगर प्योर रियल तो ये है जिसका इमेजिनरी पार्ट शून्य है, प्योर रियल बना देगा, क्योंकि 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, तो 2 कैसा, प्योर रियल है। और प्योर इमेजिनरी की अगर हम बात करें, कहीं ऐसे लिखा 2i,
तो कहोगे सर इसको 0 + 2i नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 0 होगा वो प्योर इमेजनरी होंगे, और जिनका इमेजनरी पार्ट 0 होगा वो प्योर रियल होंगे। सवाल आएगा प्रूफ करने को बेटा, बहुत ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि प्रूफ दैट इज प्योर रियल, इज प्योर इमेजनरी, जेड अपन जेड वन माइनस जेड टू इज प्योर रियल, प्रूफ करिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। इसलिए प्योर रियल प्योर इमेजनरी शब्द को भी हमने आपको समझा दिया, ठीक बात समझ में आ गई, क्लियर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अटेंडेंस दे दीजिए लास्ट। थैंक यू।